अच्छी थी। आयुष्मान खुराना की एक्टिंग की बात करें तो पूरी मूवी एक्टिंग पे ही अच्छी थी, जबरदस्त मूवी है, बहुत अच्छी एक्टिंग है। इस मूवी बोला जाता है कि कंटेंट अच्छा है, कंटेंट बहुत ही अच्छा है, बहुत जबरदस्त है, मैसेज दे रही है। हाँ, ये इज बेसिकली फॉर टीयर टू टीयर थ्री सिटीज, यूथ, यंग यूथ के लिए। जबरदस्त केमिस्ट्री है और ऑलमोस्ट 4 स्टार्स जैसे मूवी। अच्छी फिल्म थी, अच्छा लगा। स्टोरी भी अच्छी है, अच्छी थी, अच्छी तो लगी। सब ट्रू लगता दोनों का भी, लास्ट तक छोड़ा नहीं एक दूसरे को। अच्छा था, सॉन्ग्स भी अच्छे थे, 5 स्टार। मूवी बहुत अच्छी है, 4 स्टार रेटिंग मैं तो दूंगी। वन टाइम वॉच, हाँ, इट्स अ न्यू कंसेप्ट फॉर द इंडियन दिस थिंग सोसाइटी में, ऐसे कंसेप्ट होते नहीं है, इट्स अ न्यू कंसेप्ट फॉर इंडियन। हाँ, डायरेक्शन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी, मतलब इट्स अ कंप्लीट मूवी, यू कैन से सब कुछ अच्छा है। आयुष्मान का काम बहुत अच्छा, आयुष्मान एंड भूमि इज ऑल्सो डन वेरी नो। हाँ, सारे कास्ट बहुत अच्छे हैं, जो भी जो सपोर्टिंग कास्ट है, फ्रेंड्स है, उनके पेरेंट्स है, सब सब ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बहुत अच्छा, थैंक यू। मूवी बहुत अच्छी थी और एक्टिंग बहुत अच्छी है, आयुष्मान ने बहुत एक्टिंग अच्छी की, वैसे तो सब कैरेक्टर्स ने बहुत अच्छी रोल प्ले किया, बट आयुष्मान का मेन उसमें था, सो आई विल गिव 5 out of 5 रेटिंग। स्टोरी लाइन इंडिया के लिए बहुत न्यू है, सेक्स के ऊपर थोड़ा बेस्ड है, जेंट्स प्रॉब्लम के ऊपर बेस्ड है, तो थोड़ा इंडिया के लिए न्यू है, थोड़ा कल्चर शॉक लग सकता है कई लोगों को, बट 2 घंटे कब आपके बीच जाते हैं कॉमेडी प्लस स्टोरी लाइन पर कैरेक्टर्स, मुझे बहुत अच्छी लगी मूवी। केमिस्ट्री बहुत अच्छी है और कैसे वो प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, एक स्टोरी लाइन जो एक डायरेक्टर ने दिखाई है, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी। सॉन्ग्स बहुत कम है, जितना होना चाहिए उतने ही हैं, और ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती कहीं डाले गए हैं, सो स्टोरी लाइन बहुत अच्छी है। लगने मैसेज डेफिनेटली दे रही है कि अगर आप में कोई प्रॉब्लम हो अगर जेंट्स में, तो भी आप मतलब आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि उसको आप इश्यू बना के घर में बैठ जाएं। बड़ी मूवी मानी जा रही है, बट इसका मूवी का कॉन्सेप्ट एक्चुअली बहुत रियलिटी बेस्ड है, वो मूवी अब थोड़ा कॉन्सेप्ट पुराना हो चुका है, आई वुड से, तो ये मूवी नहीं, आई वुड से दिस, आई वुड रिकमेंड दिस मूवी फॉर एक्चुअली टू मच वॉच। आई विल गिव 5 out of 5। मूवी बहुत अच्छी है, एक्टिंग वगैरह बहुत अच्छी है, आयुष्मान भूमि ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। हाँ, पिक्चर चलेगी, अच्छी पिक्चर है, मतलब वन टाइम वॉच है। सॉन्ग्स तो उतने अच्छे नहीं है, एक या दो सॉन्ग्स है जो अच्छे हैं, लेकिन बाकी म्यूजिक वाइज मतलब आप म्यूजिक के ऊपर नहीं जा सकते, बट स्टोरी इज़ गुड। मैसेज यही है कि ये जो प्रॉब्लम है एक्चुअली, जो लोग रेज नहीं करना चाहते या उसके बारे में डिस्कस नहीं करना चाहते, ये इससे पता चलता है कि मतलब लोग डिस्कस कर सकते हैं या पता चल सकता है कि ऐसी प्रॉब्लम्स भी होती है जो ओपनली डिस्कस नहीं होता। पोस्ट है, थैंक यू। मूवी इंटरेस्टिंग है, जिस मिडिल क्लास, यू नो, अनराइज के प्रोडक्शन हाउस से बहुत ही ऐसी फिल्में आ रही है जो मिडिल क्लास को बहुत अच्छा रिप्लीक करती है, और उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंगली एक टॉपिक जो कोई बात नहीं करना चाहता है उस टॉपिक को इतने अच्छे से पिरोया है, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। हैट्स ऑफ टू द डायरेक्टर। आयुष्मान इज़ अ वेरी गुड एक्टर, वो किसी के साथ भी केमिस्ट्री सेट कर सकते हैं, एंड भूमि के साथ उनकी पहले भी हम केमिस्ट्री देख चुके हैं, तो इट इज़ अ चेरी ऑन द केक, अगेन बहुत प्यारी सी केमिस्ट्री है। सॉन्ग यू नो ऐसे ज़्यादा रिजल्ट नहीं होता, स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग है, पंचलाइन इतने इंटरेस्टिंग है कि मज़ा आ जाता है, पूरे 2 घंटे कैसे बीत जाते पता नहीं चलता। 4। कैसी लगी यार मूवी, कैसी लगी शुभम का सॉन्ग? हाँ, ठीक ही थी, अच्छी थी। ओके, एंड काम कैसा लगा आयुष्मान और भूमि? हाँ, सुपर। कहानी के बारे में क्या कहना चाहोगे? अच्छी थी कहानी भी, ठीक थी, नॉर्मल। कितने स्टार देना चाहोगे? स्टार कितना देना चाहोगे? 2। अरे दी, मुझे मूवी ऐसी अच्छी, इतनी अच्छी लगी कि वो मूवी मुझे दिल को छू गई। उन लोग का भी जो काम था ना, वो भी दिल को, वो भी अच्छा लगा, और उनका जो कितने स्टार देना चाहोगे? 5। बहुत अच्छा फिल्म था, अभी आयुष्मान खुराना ने बहुत अच्छा काम किया इसमें,
और मैं लोगों को बोलना चाहूँगा कि बहुत सही फिल्म है, आप जाके देख सकते हो, फैमिली के साथ देख सकते हो इस मूवी को। उनका काम भी बहुत अच्छा था, बहुत सही काम किया। हम तो इसको 5 स्टार दे देंगे। थैंक यू। ओके, कैसी लगी फिल्म आपको शो में? अच्छी है, बहुत अच्छी है। ठीक है, बट इतना ज़्यादा खास नहीं है, बट ठीक है, अपने हिसाब से नॉर्मल है। ज़्यादा देर तो नहीं, बट थोड़ी देर तो हम लोग बैठ सकते हैं, बट जो उसकी कहानी है वो काफ़ी वो दिखाई गई है, बट आज के तौर पे जो देखा जाए तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज वाला है। 3 एंड 4।